तो हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 साइंस एनसीईआरटी बुक से, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ बिल्कुल, यानी छोटी आंत में अवशोषण। ठीक है, यह है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, चैप्टर 2 आप देख रहे हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द फूड वेजल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन, जो पचा हुआ भोजन है वो आंत की दीवार में ब्लड वेजल में जा सकता है। आंत की दीवार में, ठीक है, ये आंत की परत में ब्लड वेजल रक्त वाहिनी में जा सकता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहते हैं। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसके इनर वॉल यानी कि आंतरिक जो परत है या दीवार है, उसमें फिंगर की तरह, अंगुलियों की तरह क्या होते हैं, हजारों वृद्धि होती है। क्या होती है, हजारों वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड विली, जिन्हें हम विली कहते हैं। ठीक है, या सिंगुलर विली, एक वचन विलस, ठीक है ना इसको। ठीक है, ओके। कैन यू व्हाट रोल ऑफ विली, क्या कैन यू व्हाट रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंटेस्टाइन में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली है वो क्या करता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण के सतह को, पचे हुए भोजन के अवशोषण की जो सतह है, जो उसके क्षेत्र है, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना, यही कह रहा है ना, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, सतह के क्षेत्र को, ठीक है, बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड यानी जो जो पचे हुए भोजन हैं, जो अवशोषण किए हुए हैं, उसके क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इच विलस हैज नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, इच विलस, प्रत्येक विलस के पास क्या होता है, ब्लड वेजल उसके करीब में क्या होता है, ब्लड वेजल के पास क्या होता है, थीन एंड स्मॉल, पतले और छोटे, क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके सतह पर क्या होता है, उसके करीब में नेटवर्क होता है। द सरफेस ऑफ द विल विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो कौन सरफेस ऑफ विलस, जो विल है, जो विली है, वो एब्जॉर्ब क्या करता है, उसका जो एरिया है वो क्या करता है, वो अवशोषित क्या करता है, विलस अवशोषित क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल यानी कि पचे हुए भोजन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेजल टू डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी। यही जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, यानी कि जो अवशोषित पदार्थ हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से करता है, ब्लड वेजल के माध्यम से करता है। कहाँ करता है, टू डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के प्रत्येक अंग के पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, विली। वेयर, जहाँ दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जहाँ वो सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई द बॉडी, बॉडी को जहाँ पे प्रोटीन और क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि मिश्रित या जटिल पदार्थ का निर्माण करता है ना, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई बॉडी, बॉडी के अनुसार जो प्रोटीन है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का वो क्या करता है, निर्माण करता है जहाँ पे वो यूज होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल यानी कोशिकाओं में ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड।
ये क्या होता है, इन द सेल एंड कोशिकाओं में ग्लूकोज ब्रेक डाउन, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है ना, ऑक्सीजन की सहायता से, इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में वो क्या होता है, टूट जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है ठीक है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज करता है, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अपचित ना, और अनएब्जॉर्ब और मतलब कि अवशोषित, जो मतलब पदार्थ होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इंटर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या होते हैं, बड़ी आंत में चले जाते हैं, जो अपचित मतलब कि अपचे हुए जो पदार्थ हैं, और अवशोषण यानी कि जो क्या है, अवशोषित नहीं है ठीक है ना, अनएब्जॉर्ब जो मटेरियल है वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। सो क्वालिटी, थैंक यू।